गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन 13 और 14 करेंगे। तो क्वेश्चन 13 और 14 का प्रैक्टिकली इम्प्लाइड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं और जनरल प्रैक्टिस में भी ये काफ़ी यूज का होता है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी हुई, इसमें ये कह रहा है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो, तो हमें शो करना है शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। अब आप देख रहे हो कि ये जो हमें टर्म दे रहे हैं ये तो एक आइडेंटिटी है हमारी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल में क्या होता है, जो आइडेंटिटी है वो हम लिख देंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है ना। अब देखो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी हुई आ रही जिसमें कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो थी, यहाँ पे जीरो लिख दिया। ओके, और इसे हम एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई जीरो बिकम जीरो, यानी कि ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। जीरो से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, जीरो आ गया। और ये किसकी वैल्यू जीरो आ रही है, इसकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो आपको पता है कि अगर हम इसे हम आर एच एस में ले जाएं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल क्या आ गया, 3xyz आ गया ना। तो यही तो हमें प्रूव करना है, ये प्रूव हो गया। ओके, अब देखो इसका हम प्रैक्टिकली यूज कहाँ पे करेंगे वो हमें देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें तीन नंबर दिए हुए हैं, उनका क्यूब निकालना है। तो अगर जनरल टर्म में हम क्या करते हैं, हम इनका क्यूब निकालेंगे और हम ऐड करके दिखा देंगे, लेकिन नहीं, हमें सबसे पहले देखना है कि इन तीनों टर्म्स को हमें ऐड करना है। अब देखो इन तीनों टर्म को ऐड किया तो जीरो आ गया, तो मैं क्या लिखूंगी, सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो है, मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल क्या होना चाहिए, 3xyz। ये आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हमने, तो ये अब बस अब इसमें वैल्यू पुट करना है, 3 एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस 12, वाई की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 5। ओके, तो 12 5 60 60 को 7 से किया तो 420, 420 को 3 से किया तो 1260। अब देखो इसमें एक माइनस साइन है तो ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो यही इसका क्या है आंसर है। ओके, अब इसी तरह से इसमें भी करेंगे, तो अब तो आपको आइडिया हो ही चुका है कि क्या करना है हमें। तो फिर से हम लिखेंगे इन तीनों टर्म्स को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 28 माइनस 13 और माइनस 15। तो ये देखो माइनस 13 माइनस 15 माइनस 28 होता है, तो 28 माइनस 28 ये क्या आ गया, जीरो आ गया। तो फिर मैं वही लिखूंगी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। ये आपको हर बार लिखना है। ओके, ये मत सोचना कि इसे लिखना नहीं है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो बस हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, 3 × 28 × −13 × −15। अब देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे दो माइनस साइन है तो ये प्लस ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम प्लस ही लिखेंगे। ओके, 28 को 15 से किया तो 420 आता है, 420 को 3 से किया तो 1260 आ गया। अब फिर इसे आप किससे कर रहे हो, 13 से कर रहे हो, तो यहाँ पे करके देख लीजिए आप, क्या गया 1638 0, ये इसका आंसर है। ओके, इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस आपको ये देखना है जब भी इस तरह से क्यूबिक फॉर्म में दिया रहा है
तीन नंबर्स हो, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे ये ट्रिक काम करने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू ऐसे 3xyz लिखोगे, आपको ये लिखना होगा, कंडीशंस आपको दिखाना होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, और हमें उससे लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ओके, तो 25a² माइनस 35a प्लस 12, माइनस 35a प्लस 12। अब देखो, ये तो आपको पता है कि फैक्टराइज में क्या करना होता है, इसका और इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो 25a 12। ओके, और ये वैल्यू जो है वो कितनी हो गई है, 300 हो गई है। तो 300 को हम लिख सकते हैं ना 15 to 30, यानी 15 और 20 लिखेंगे, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बीच का टर्म हमारा 35 आ रहा है। ओके, तो इसको हम 25a² माइनस 20a माइनस 15a और प्लस 12 लिख देंगे। ओके, अब ये दो दो का हम सेट बना लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5a का फैक्टर है ये, तो 5a कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है यहाँ से 5a और माइनस 4a। ओके, ये दोनों ही नंबर क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 कॉमन ले लिए, तो 5a प्लस सॉरी माइनस 4, तो ये 5a माइनस 4 कॉमन आ गया, और ये 5a माइनस 3। अब देखो, जो फर्स्ट होता है वो क्या होगा, लेंथ होगा, और नेक्स्ट जो है वो क्या है, ब्रेथ। तो इस तरह से हम लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल लिया। अब इसी तरह से सेकंड वैल्यू में भी एरिया हमें दी हुई है, वो है 35y² माइनस 13y और माइनस 12। अब देखो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 35 और 12 का हम प्रोडक्ट लेंगे, और ये कितना आ गया, 420 आएगा। तो 420 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो 14 और 30, लेकिन हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए ना, तो ये 28 और ये 15, हाँ ये इससे आ जाएगा, 28 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा। अब देखो, ये किस तरह से हम फैक्टर्स निकालते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हो जाता है। मैंने इसकी ट्रिक्स बताए आप लोगों को, जब मैं 2.4 का क्वेश्चन करवा रही थी तो उसमें मैंने इसकी ट्रिक आप लोगों को समझाया है, तो आप उस वीडियो को फिर से दोबारा से देख के चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब आप लिखेंगे 35y² माइनस 28y और प्लस 15y और माइनस 12। ओके, अब फिर से हम दोनों का हम सेट बना लेंगे, इसे मैं मिटा देती हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन केवल हमें जरूरत नहीं है। अब देखो, इन ये दोनों नंबर 7 का मल्टीपल है, तो 7y, ये 5y माइनस 4, और ये दोनों नंबर 3 का मल्टीपल है, तो 3, तो 5y माइनस 4। तो हमारे पास दो फैक्टर मिल गए, 5y माइनस 4 और ये 7y प्लस 3। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये क्या है, लेंथ है, और ये सेकंड वैल्यू जो है वो क्या है, ब्रेथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेक्टेंगल के डायमेंशन निकाले हैं। ओके, तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो थैंक यू बच्चों।